हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी है कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन और आप करना चाहते हैं उसका यूज़ अपने लैपटॉप या फिर पीसी में? तो सबसे पहले आपको उसका सेटअप करना होगा। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम किसी एक्सटर्नल माइक्रोफोन का अपने लैपटॉप या फिर पीसी में सेटअप करके आसानी से अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को समझाने के लिए मैं अभी लेकर आया हूँ बोया का BY-M1 माइक्रोफोन, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपने इस माइक का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर माइक है। तो चलिए करते हैं इस पूरी प्रोसेस को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने माइक के कनेक्टर को अपने पीसी या लैपटॉप में दिए गए 3.5 mm माइक्रोफोन वाले जैक के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों, माइक को कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे नीचे स्पीकर वाला जो आइकन दिख रहा है लास्ट में, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें सेकंड लास्ट ऑप्शन जो कि साउंड वाला दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये बॉक्स हमें मिल जाएगा। अगर आपके लैपटॉप या फिर पीसी में ये वाला आइकन नहीं है स्पीकर वाला, तो आप इसे कंट्रोल पैनल की मदद से भी खोल सकते हैं। तो मैं अभी उसके मदद से खोल के दिखाता हूँ आपको। आपको सिंपली कंट्रोल पैनल सर्च ऑप्शन में टाइप करना है और यहाँ पे हमें ढेर सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, उसमें से हमें साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के साथ ही हमारा वो वाला बॉक्स जो है साउंड वाला खुल जाता है। तो सबसे हम पहले जाएंगे हम रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो लैपटॉप के इनबिल्ट माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ। तो अब मुझे ये वाला सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन, पर हमें अपना माइक्रोफोन अगर सेट करना है तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, और वो अभी रेड मार्क दिखा रहा है, नॉट प्लग्ड इन दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसकी वजह है कि मैं अभी बोया का माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आप भी बोया का माइक्रोफोन यूज़ करें तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कैमरा मोड और स्मार्टफोन मोड। तो आपको अभी ये मेरा माइक कैमरा मोड पे है, इसलिए ये नॉट प्लग्ड इन दिखाई दे रहा है। आप अगर जैसे ही मैं इसे नीचे स्लाइड डाउन करूँगा स्मार्टफोन मोड पे, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा लैपटॉप माइक मोड पे चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टिक था जो पहले लैपटॉप के माइक में था, वो अभी ऊपर मेरे बोया वाले माइक्रोफोन में आ चुका है। तो अभी बस मुझे इसे कन्फिगर करना है। तो उसके लिए इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कन्फिगर वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है हमें। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे सेटअप माइक्रोफोन में। तो यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो इन तीन ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है हेडसेट वाला माइक्रोफोन, दूसरा है डेस्कटॉप माइक्रोफोन और तीसरा अदर लिखा हुआ है। तो आपका माइक जिस कैटेगरी में आता है हमें उस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो मेरा बोया का माइक्रोफोन है जो कि आता है सेकेंड वाले कैटेगरी में, तो मैं सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट में। तो अभी सेटअप योर माइक्रोफोन लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें एक नेक्स्ट वाले पेज में हमें एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ये हमारा माइक डिटेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो हाइलाइटेड लाइन है वो हमें ठीक से पढ़नी होगी। तो अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पीटर डिक्टेट्स टू हिज कंप्यूटर, ही प्रीफर्स इट टू टाइपिंग एंड पर्टिकुलरली प्रीफर्स इट टू पेन एंड पेपर। तो ये लाइन पढ़ने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट में। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कि योर माइक्रोफोन इज़ नाउ सेट अप। तो ये अभी सेटअप हो चुका है, तो हमारी प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। तो अभी यहाँ पे मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये सेट हो चुका है, पर अभी हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टी में। तो इसके ऊपर क्लिक करके हमें प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है। तो प्रॉपर्टी में सेकेंड हमें मिलेगा लिसन। तो लिसन वाला जो पोर्शन है उसमें हमें यहाँ पे जो लिसन टू दिस डिवाइस लिखा हुआ है, ये वाले बॉक्स पे हमें चेक मार्क नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बॉक्स ऐसे ही छोड़ना है हमें। अब बात करते हैं लेवल की। तो ये दिखाता है माइक्रोफोन का लेवल कितना है। तो अभी ये 72 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आप वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं, तो 72 से अभी 100 भी रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा कम रखता हूँ अभी। अभी मैंने 96 पे छोड़ दिया इसे। यहाँ पे माइक्रोफोन बूस्ट जो कि 10 डेसिबल दिखाई दे रहा है, तो वो सही है, उसको आपको नहीं छेड़ना है। एनहांसमेंट में भी आपको ये वाले ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट हो ऐसा चेक कर लेना है। यहाँ पे एडवांस मोड पे हमें खास चीज़ ध्यान रखनी है एक, कि यहाँ पे हमें CD क्वालिटी और DVD क्वालिटी दो ऑप्शन मिलते हैं। तो हमें DVD क्वालिटी के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि CD क्वालिटी में साउंड ठीक से अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होती, मैंने पहले चेक किया था। तो आप DVD क्वालिटी में ही जाइएगा, और उसके बाद हमें ओके दबा देना है। तो हमारी सारी सेटिंग सेव हो जाती है।
और वापस से हम ओके दबा देते हैं। तो बस यही थी प्रोसेस। इसी प्रोसेस की मदद से आप किसी भी टाइप के माइक्रोफोन को अपने लैपटॉप में के अंदर सेटअप, लैपटॉप या पीसी के अंदर सेटअप करके आपका वॉइस जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।